राम राम सारे आने। तो आज हमारे तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे से मतलब बाढ़ का हालात हो गई थे, रात के 2 बजे से बारिश आ रही थी। आप लोग कमेंट करना आपकी तरफ कैसी बारिश हुई थी। तो जयपुर में तो कहना सड़कों पे थोड़ा सा पानी आते बाढ़। किस किस के घर पे बारिश हुई थी, किस किस के गांव में बारिश हुई थी, कमेंट्स करके जरूर जरूर बताना। कितने भयंकर वाली है, कितने भयंकर वाली। हाँ, और आपको राम राम सारे आने ऐसे बोलना नहीं आता, राम राम जी बोल दिया करो, है ना। तो बने रहो ब्लॉग में, ब्लॉग आज बहुत धांसू और धमाकेदार होने वाला है। गणेश जी के लिए और क्या बोल रही है, क्या कचरा समझ के। अच्छा, ये गणेश जी के लिए कुछ बना रही है। काई ब्लैकमेल कर रही है, तो भाई दोस्तों आज मौसम की चाय बन रही है हमारी स्पेशल, है ना। और चाय बन रही है एक नंबर, बिल्कुल प्योर मलाई मार के, है ना। चल बोल एक बार ऐसे बोल दो, बने रहो ब्लॉग में, ब्लॉग आज बहुत धांसू और धमाकेदार होने वाला है। चलिए जोर से बोल, बने रहो ब्लॉग में, ब्लॉग आज धांसू और धमाकेदार होने वाला। चल देवान तू भी बोल, देखिए देखिए देवान तू भी बोल। तो भाई दोस्तों लाइब्रेरी, सभी लाइब्रेरियों को जयपुर में कर दिया सीज, क्योंकि दिल्ली का याद तो कुछ दिल्ली में कोई लड़के बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी थी तो उसमें ख़त्म हो गए थे, तो वहाँ पे की वजह से हर जगह से लाइब्रेरी और को बंद कर दिया। लेकिन ये गलत है, बच्चों का अंधकार, भविष्य अंधकार में आ गया। आप देख ही सकते हो बच्चे बहुत ज़्यादा, अभी एग्ज़ाम का टाइम है और ये देखो बोरिया बिस्तर सबके लाइब्रेरियों के बाहर कर दिया, मीना वाला में भी सभी लाइब्रेरियों को सीज कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए, गलत है, है ना, गलत है ना, बिल्कुल। भाई पढ़ेला कौड़ा बच्चा है। काय करी सही थी बता है, मौसम का तो बढ़िया रीजन। आज पापा काय किया, काय किया, आज मौसम बढ़िया है, घूम भाई घूम बाड़ो एक जावा का, तो जावा का तो चालला तो यहीं खेप कर जावा तो कहीं नहीं, मैं के मैं जावा कब कर जाओ। मौसम बढ़िया है, घूम घूम बाड़ो अब है लो जदी, अब बूम 2-4 पर बरसात आ जावली ना तो उमस चल जाओ लीजिए। हां तो भाई दोस्तों ये देख ही सकते हो आप, ये अपनी लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी को सीज कर गए थाने वाले। खैर उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इससे ये है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया, है ना, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी बेसमेंट में लाइब्रेरी है ना, अपने यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी है, LN लाइब्रेरी मीणावाड़ा सिरसी रोड पर, तो जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी है ना उसको सबको सीज कर गए थाने से। वो तो हर जगह हुआ होगा, और अधिकतर देखो लाइब्रेरियां बेसमेंट में ही होती है, क्योंकि लाइब्रेरी को क्या ना बड़ी स्पेस स्पेस बड़ा चाहिए होता है, शांत माहौल। अभी दुख कम देती है तो इसलिए अधिकतर बेसमेंट में रहती है। और अभी ये बेसमेंट की लाइब्रेरी सारी बंद है, बच्चों क्या रहे हैं अभी एग्जाम सब है ना, और देखना जिनकी लाइब्रेरी ऊपर है उनको बच्चों के ऊपर फीस के भारी प्रभाव हाँ, पड़ने वाले हैं। अब ये देखो क्या हुआ बताऊं कि बेसमेंट में लगभग सब लाइब्रेरियां कोचिंग है बेसमेंट में, उनको सीज कर दिए गवर्नमेंट, जयपुर से हूँ मैं और सीज कर दिए। और जिसकी ऊपर लाइब्रेरी है ना उनके भाव बढ़ जाएंगे, जैसे 500 रुपये फीस है ना, हमारे फीस 500 रुपये हैं, तो उनकी फीस कम से कम नैना करते हुए 1,000-1,500-2,000 रुपये ऐसे मुँह मांगी कीमत हो जाएगी। तो और सब बच्चों को अब जैसे हाँ सब बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई में सब में डिस्टर्ब होता है, तो पढ़ाएगा दोनों नुकसान हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी आए लाइब्रेरी, कहने मतलब खुलनी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों देखो जहाँ पे जिन लाइब्रेरी में अच्छा स्पेस है अच्छी जगह है हाँ। देख के उन भाई देखो ऐसे जैसे मान लो हमारे देखो लाइब्रेरी आपको दिखा देता हूँ, ये लाइब्रेरी हमारी 3-3 गेट है, 3-3 गेट है, इसमें पानी का निकाल, और क्यों 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 बंद क्यों हुआ था ये चीज़ मैं आपको बता दूँ,
क्यों बंद हुआ था, वो दिल्ली के अंदर कोई वो हो गया था, पानी भर गया था, तो उसमें क्या है ना, वो गेट था ना, वो इलेक्ट्रिक गेट था, उसमें पानी भरा ना, तो वो गेट बंद हो गया, इलेक्ट्रिक था। हाँ तो ये है बात, तो इस चक्कर के अंदर वो वहाँ हुआ था। अपना तो देखो वातावरण ही बिल्कुल खुला है यहाँ पे, तो पानी अभी मान लो बारिश का बहुत शानदार बारिश आई थी, आप देख ही सकते हो, बारिश बढ़िया आई थी, लेकिन पानी हमारा तो खूब ऊंचा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी खुलवाएं, है ना, और किस किस के घर आसपास में लाइब्रेरियाँ बैन हुई है, लाइब्रेरी कोचिंग बैन हुई है, कमेंट्स करके इस वीडियो के माध्यम से जरूर जरूर बताएं, है ना, किस किस के और किस किस का पढ़ाई का डिस्टर्ब, क्योंकि जयपुर से काफ़ी दूर दूर से आके जयपुर सिटी में रहते हैं लोग बाग, और यहीं पर वो हो जाए तो कोई दिक्कत आती है ना। एक फ़ोटो खेल लो, आज मौसम कितना अच्छे हो रहे थे, अरे वाह मेरी बेटी। तो भाई दोस्तों मौसम कितना सुहाना हो रहा है, आप देख सकते हो, बेटा चोटी बना लो, मैं मेरे हाथ में रख रखा है, कर रही कहीं तू है, कहीं करी जे, अच्छा हजारा ला बेटा, पर बैठने टाइम को ना आर बैठी हुई जुम्मत उठा कर बैठ को थोड़ी देर कर कमर सीधी करूँ, गड्ढे दे सीधी कौन लगा थी, हम अमरूद का पेड़ कोड़ लगाया, फिर अमरूद का पेड़ कोड़ लगाया, उस दिन कोड़े कैसे लग गया वो, कहीं को थे आज झूला माला बैठ तो, अरे यार मन काम बताओ हाँ कशो मरगो हाँ। तो ये आप देख ही सकते हो माल, और 36 आदमियों का खाना मैंने आपको बताया था, ये भैया के जन्मदिन का धूमधाम से, ये देख ही सकते हो, इन टोड़ा बता की टोड़ा बता 15 आदमी तो खा लिया और बाकी की ढोड़ दिया, फिर देख ही सको है ना, पटक दिया कौन दिखे दिखे बार बार पूरे कहीं जे गुलगुले। तो भाई दोस्तों ये देख ही सकते हो, इसको क्या कहते हैं आपके घर पे कमेंट करके हमारे को बताना जरूर जरूर, पुआ पुआ कसम मुड़ा नहीं, पुआ कसम रोडा की, तो हमारे माए मैडम के रोड पुए के जैसे हैं, आप देख ही सकते हो इंदूर राग के चेखा दे कोड़े, और ये देखो पूड़िया, ये देखो हमारी बात है ना, ये चल ये बारिश का मौसम है ना, जिम ये तेल की फ्राई रही है, ये उल्टी रही क्यों है, हो जाए ये इशू ये हो जाए, हकीकत कह रहे हो मैं पता तो फिर क्यों हो जाए, बच्चे आना सामना तू की तबियत खराब है चुलबुल की, तो भी तो नहीं, रोटी सब्जी मेन चीज होती है, रोटी सब्जी पनीर आप देख ही सकते हो, पनीर ये देखो पनीर एक नंबर है, पेवर पनीर है ना, मलाई मार पनीर से मलाई मार खा तो लिया 10 पूरी 15 दो प्याला फिर कारण से फ्राई कर रहे हैं।